हमारा जो 11वें राष्ट्रवाद वाला अध्याय उसका भाग 2 पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक राज्य को राज्य तब माना जाएगा जब उन्हें कुछ जात तत्वों का उसमें समावेश होता है। तो पहला उसका जो पॉइंट है, जो राज्य के जो तत्व हैं आवश्यक राज्य के, तो उसमें से पहला है जनसंख्या। बिना जनसंख्या के, जिसमें जनसंख्या मतलब, जनसंख्या का मतलब यहाँ मानव से है, जनसंख्या जब तक नहीं होगी तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। जनसंख्या या मानव समुदाय के बिना हम राज्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अलग अलग विचारकों ने जनसंख्या के बारे में अलग अलग अपने विचार बताए हैं कि जैसे गिलक्राइस्ट ने कहा, अकेला कुटुंब भी राज्य का निर्माण, एक कुटुंब में मानो 100 व्यक्ति भी हैं तो भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो जनसंख्या चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जनसंख्या कम होना राज्य में अनिवार्य तत्व है। तो हम देखते हैं कि गार्डनर ने लिखा है कि यूनानिक बहुसंख्यक व्यक्तियों का समुदाय, इस प्रकार जनसंख्या को राज्य का सबसे अनिवार्य तत्व माना गया है। अब किसी ने कहा जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो रूसो ने कहा था कि एक राज्य में कम से कम 10,000 जनसंख्या हो। प्लेटो ने बताया था कि 5,040 जनसंख्या हो। लेकिन हम देखते हैं कि जनसंख्या कम हो या ज्यादा हो वो इस बात पर निर्भर नहीं करता। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि जनसंख्या बौद्धिक हो, श्रेष्ठ नागरिक हो, जैसे अरस्तु ने बताया, तो जनसंख्या कम हो या ज्यादा भी हो सकती है। आप देखते हैं भारत और चीन में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे मोनाको और लक्जमबर्ग, यहाँ पर जनसंख्या हजारों में। तो राज्य मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसमें जनता अपना पालन पोषण अच्छे से कर सके, उसको मतलब अपनी रक्षा कर सके, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो कई जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि श्रेष्ठ नागरिक ने, कभी कभी कुछ नागरिक चरित्र मतलब उनमें कुछ विसंगति भी पाई जा सकती है। तो जिनमें राज्य के प्रति क्या भक्ति प्रेम और ये भावना होती है वही जनसंख्या में शामिल होगा, ये अरस्तु ने बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा तत्व है वो निश्चित भूभाग मतलब जमीन। बिना जमीन के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। कई ऐसे उदाहरण हैं, आप देखोगे कि जो यहूदी लोग थे 1948 से पहले की बात कर रहे हैं, तो उनकी एक राष्ट्रीयता थी, उनका एक संगठन था, पर उनके पास कोई जमीन नहीं थी, भूभाग नहीं था। उससे क्या हुआ, उनकी मातृभूमि छिन गई, अब पूरे विश्व में यहूदी क्रिश्चियन लोग फैल गए और फिर बाद में उन्हें इजराइल नामक एक भूभाग प्राप्त हुआ और उसके बाद वो स्थायी रूप से वहां पर बस गए और उन्होंने अपने राज्य का क्या किया निर्माण। तो राज्य के निर्माण के लिए एक भूभाग होना बहुत ही आवश्यक तत्व, ये दूसरा तत्व है। कुछ विचारक कहते हैं कि भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानते, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि जमीन या भूभाग होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और तो जो भूभाग है उसकी आवश्यकता क्यों होगी, इसका एक पॉइंट है। दूसरा है भूभाग का क्या मतलब है। भूभाग का मतलब है कि जिसकी कोई राज्य हो, स्थान हो, उसकी सीमाएं हो, कोई सीमाओं से वो घिरा हुआ हो है? और उसके अभी जो वर्तमान में है, माना गया है कि कोई भी राज्य है तो समुद्र तट के 12 मील तक, समुद्र बड़ा
दूसरे देशों से जुड़ा हुआ, तो 12 मील तक जल क्षेत्र के अतिरिक्त वायुमंडल में भी 12 मील तक वो क्षेत्र उसी राज्य में उसी देश में शामिल किया रहता है। तो जो निश्चित भूभाग है इसकी आवश्यकता क्या है, भूभाग का अर्थ क्या है, इसका अगला पॉइंट है भूमि का विस्तार। अब भूमि का साइज कितना होना चाहिए, इसकी सीमा का कोई निश्चित नहीं है, कई राज्य छोटे भी होते हैं, कई बड़े भी होते हैं। जैसे रूस, अमेरिका, चीन, भारत विशाल आकार वाले राज्य हैं, और कोई तो बहुत ही छोटे हैं जैसे सैन मैरिनो, बहराइन, इनका जो एरिया है बहुत छोटा है। तो हम देखते हैं कि छोटे और बड़े से नहीं, मतलब उनकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए ताकि वो अपने राज्य को अच्छे ढंग से चला सके। यदि विशाल आकार वाला जो राज्य होगा तो ये उसकी रक्षा करना भी बहुत मुश्किल होगा, आपको इतनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यदि बहुत छोटा भी होगा तो वहाँ के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, छोटा हुआ जनसंख्या भी कम होगी। तो आजकल छोटे छोटे राज्यों में ऐसा हो रहा है कि वो मिलकर एक विशाल संघ राज्यों का निर्माण करें। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें अमेरिका के कई राज्य संयुक्त हो गए, इस प्रकार चीन, रूस और भारत में भी इसके उदाहरण हैं कि ताकि एक संतुलन अच्छा बन सके। और ऐसा भी होना चाहिए जिससे वहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति अच्छी हो और उस क्षेत्र में प्राकृतिक और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में हो। जैसे आपने देखा सऊदी अरब, ईरान, इनके पास और सूबे इनके पास जिससे बहुत ही बड़े रूप में विशाल तेल के कुएं हैं, तेल संपदा है। तो ये बहुत पहले बहुत गरीब राष्ट्र थे, जब से वहाँ पर तेल के भंडारों का पता चला तो सऊदी अरब और ईरान आदि बहुत आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बन गए। तो ये था पहला था हमारा जनसंख्या, उसका था भू क्षेत्र। अब भू क्षेत्र का जो चौथा पॉइंट है वो भूमि की सीमाएं। सीमाएं मतलब कि प्राकृतिक सीमा, जैसे कहीं कहीं पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, समुद्र या बड़ी बड़ी नदियों से घिरे रहते हैं, तो ये प्राकृतिक सीमाएं हैं। यदि नहीं रहती है तो फिर हमें वहां पर कोई दीवार भी बनानी पड़ती है। जैसे आपने देखा है चीन की दीवार, उसने अपने देश को एक दीवार से घेरा था भारत और चीन के बीच में। हमारे भारत में देखिए उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो एक प्राकृतिक सीमा हो गई कि हिमालय पर्वत की ये साइड भारत देश है। तो उत्तर भारत उत्तर की ओर से क्या हो गया, अधिक उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत, और पाकिस्तान से हमारी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही सामान्य सीमा बनी हुई है। तो वहां पर छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो राज्य की सीमा पर्वत से भी हो सकती है, समुद्र तट से भी हो सकती है, तो लेकिन हमें सुरक्षा के प्रबंध करना पड़ता है क्योंकि तो समुद्र ही नौसेना और व्यापारिक सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये सीमा का निर्धारण भी, किसी को प्राकृतिक सीमा मिल जाती है, किसी को अलग से सीमा का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा भू क्षेत्र। जो अगला पॉइंट आएगा वो है सरकार, दूसरा है सरकार। यदि राज्य है उसमें मानव है और उसका उसके नियमों का पालन करने वाला कोई नहीं है तो वो राज्य राज्य नहीं रहेगा, सब लोग अराजकता हो जाएगी, वहां पर लोग स्वच्छंद होकर कुछ भी कार्य करने। तो सरकार होना चाहिए, राजनीतिक संगठन होना चाहिए, क्योंकि यदि वो समाज में रहता है तो उसके पढ़ाई वगैरह के लिए एक व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए। तो जो राज्य एक अमूर्त संस्था को एक मूर्त रूप देने के लिए सरकार होना बहुत जरूरी है। सरकार के द्वारा ही राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। तो सरकार राज्य का, सरकार के बारे में क्राइस्ट ने लिखा है, सरकार राज्य का वह संगठन है, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा
अभिव्यक्ति होती है। मतलब हम राज्य में रहते हैं तो हमें सरकार द्वारा सुविधाएं भी प्राप्त होती रहती है। सरकार जहाँ रहेगी वो राजनीतिक संगठन है, वो अपने राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाता है और वो उसके बिना देश राज्य का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो शक्तिशाली होंगे वो निर्बलों पर अत्याचार करने का नहीं कि कानून व्यवस्था नहीं होगी तो ये राज्य में एक अराजकता और धर्म हो जाएगी। तो ये सरकार होना बहुत ही आवश्यक तत्व है। चीन और विश्व के कई साम्यवादी राज्यों में साम्यवादी दलों का अधिनायक मतलब पार्टी है साम्यवादी दल, लेकिन भारत ब्रिटेन अमेरिका में देशों में संसदीय प्रणाली प्रजातंत्र मतलब जनता के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वो प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था को क्या करते हैं संचालित करते हैं। चौथा जो तत्व है वो है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने राज्य के अंदर स्वतंत्र हैं, हमें निर्णय लेने की क्या है क्षमता है हमारी। सब पहले जब तक देश आजाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन जब आजाद हो गया तो हमें संप्रभुता हमारी प्रस्तावना मिलता है। हम संप्रभुता मतलब जनसंघ की और अपने देश के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर सरकार संपन्न मानव समुदाय को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वो अपने नीति नियम बनाने के लिए स्वतंत्र ना हो। तो ये हमें संप्रभुता का एक जो असली अर्थ निकलेगा वो है सर्वोच्च सत्ता। हम अपनी स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना सकते हैं, विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं, इस पर किसी भी दूसरे का दबाव नहीं होगा। यदि कोई राज्य है उसके ऊपर दूसरा राज्य नियंत्रण रखकर उसकी शक्ति को क्या करे सीमित करे प्रतिबंधित करे और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे तो वो शासन करता है तो हम वास्तव में हम क्या कहेंगे कि वो राज्य नहीं है। जब आज स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत की अपनी जनता थी, उसकी निश्चित जगह थी, परंतु उसकी संप्रभुता नहीं थी। उसे जो ब्रिटिश सरकार है उसके अधीन होकर काम करना पड़ता था। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें संप्रभुता बहुत ही एक आवश्यक तत्व है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में बताइए।